अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तरक्की पज़ीर मौशियत के मसाइल। आपके पास तरक्की पज़ीर मौशियत या तरक्की पज़ीर ममालिक कौन से होते हैं? ऐसे ममालिक, ऐसी मौशियत जिनकी फ़ीकस आमदनी तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम हो, हम उनको तरक्की पज़ीर ममालिक कहते हैं। ऐसे ममालिक जिन्होंने तरक्की की तरफ जो अपने कदम होते हैं बढ़ा तो लिए हैं, लेकिन इनकी जो फ़ीकस आमदनी होती है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम होती है। ये बेसिकली अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं आपके पास, और ये अभी तरक्की की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और इनके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, और इन मसाइल में से कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है आपके पास पस्त फीकस आमदनी की। इन ममालिक की औसतन जो इनकम होती है वो कम होती है। जिन ममालिक की इनकम 2000 अमरीकी डॉलर से कम होती है, उन ममालिक को हम तरक्की, आप कह सकते हैं तरक्की पज़ीर ममालिक के सब में वो शामिल होते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है। इन ममालिक की जो फ़ीकस आमदनी है वो 2000 अमरीकी डॉलर से कम है, यानी कि कंपेरेटिव आपके जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में इनकी इनकम कम होने की वजह से भी हम इनको तरक्की पज़ीर मौशा या ममालिक का नाम देते हैं। और इनकी जो फ़ीकस आमदनी होती है वो कम होती है, क्योंकि इनकी कुल कौमी आमदनी कम होने की वजह से और साथ में इनकी आबादी ज़्यादा होने की वजह से इन ममालिक के अंदर लोगों की जो फ़ीकस आमदनी होती है वो कम होती है। सेकेंड है इनके पास ये वो तमाम ममालिक होते हैं जिनमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ज़रात से वाबस्ता हों, और ये ज़रात पर इन्हसार करते हैं। मौसम में तब्दीली, सैलाब का आना, बारिशों का आना, बारिशों का ना होना, पानी की कमी, ज़मीन की ज़रखेज़ी में लगातार कमी की वजह से एग्रीकल्चर की पैदावार जो है वो काफ़ी मुतासर होती है। और वैसे भी एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो मख्फी बेरोज़गारी पाई जाती है, इस वजह से भी आपके मुल्क के लोगों की आमदनियाँ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर देखा जाता है तो हम बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इससे वाबस्ता हैं, लेकिन अगर कुदरती आफात वगैरह खुदा न खास्ता आ जाते तो उस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्टर्ब होता तो साथ ही हमारी जो इंडस्ट्री जो होती है, जो एग्री बेसिक आपकी है इंडस्ट्री, वो भी साथ ही डिस्टर्ब हो जाती है, और बहुत ज़्यादा लोगों के रोज़गार के अंदर जो होती है वो कमी वाक़ हो जाती है। इन वजूहात की बिना पर भी हमारे जो ममालिक हैं वो तरक्की पज़ीर मौशियत की सफ़ के अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद है आबादी का दबाव, नंबर 3 आपके पास। इन ममालिक के अंदर वसाइल में उस नस्बत से इजाफा नहीं होता जिस नस्बत से यहाँ पर आबादी के अंदर इजाफा हो। आबादी में लगातार इजाफा होने की वजह से और वसाइल का वहाँ पर रुक जाने की वजह से मौशियत जो होती है वो कमी की तरफ जाना शुरू होगी। अब हमारे पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे पास एरिया है, जितने हमारे पास वसाइल हैं, अगर उससे ज़्यादा अगर हमारे मुल्क की आबादी में इजाफा होता चला जाएगा तो हमारे मुल्क की फ़ीकस आमदनी में खुद ब खुद जो होगी वो कमी वाक़ हो जाएगी, क्योंकि डिवाइज़र जब बड़ा होता जाएगा तो कुल कौमी आमदनी ओवर फ़ीकस आमदनी है, तो डिवाइज़र फ़ीकस आमदनी है तो फ़ीकस आमदनी के बढ़ने की वजह से औसतन हमारे मुल्क के लोगों की जो आमदनी होगी वो कम हो जाएगी। इस वजह से हमारे मुल्क की जो फ़ीकस आमदनी कम है और हम तरक्की पज़ीर मौशियत के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। तरक्की याफ्ता जो ममालिक होते हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग जो होते हैं वो वर्क करते हैं,
जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे है कि अगर एक फैमिली के अंदर एक मेंबर कमा रहा होता है तो पांच लोग जो होते हैं वो खा रहे होते हैं। तो इसका मतलब एक का कमाना बाकी चार का फारिग रहना तो आपकी मौशियत के अंदर वो उतना ही ज़्यादा बोझ हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो वसाइल में कमी और रोज़गार के कम होने की वजह से पूरी मौशियत के अंदर जो होता है वो बेरोज़गारी के हालात जो होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वैसे भी हमारा मुल्क जो है वो ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वाबस्ता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका उसके अंदर तो वैसे ही पहली जो है वो मकफी बेरोज़गारी पाई जाती है, यानी कि लोग तो आपको काम करते हुए नज़र आएंगे लेकिन एक्चुअल जो होते हैं वो मकफी बेरोज़गारी का शिकार होते हैं, क्योंकि वो जितना काम चार लोग मिलकर कर रहे होते हैं वो एक आदमी का जो काम होता है वो 4% कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब तीन लोग एक्स्ट्रा उसने लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो रोज़गार भी जो था वो आपका मकफी बेरोज़गारी में शामिल हो गया। उसके बाद नंबर 5 है आपके पास, अफराते ज़र के हालात। हम बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ जो है मिलना शुरू करते हैं और ज़्यादा तेज़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास जो मौजूदा वसाइल है वो कम है। आबादी के बढ़ने की वजह से चीज़ों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। अब चीज़ों की डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है तो उससे आपके डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो वहाँ पर कीमतों में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मौशियत के अंदर जो है वो अफराते ज़र के हालात आ जाते हैं। अगर मौशियत के अंदर अफराते ज़र के हालात होते तो इसका मतलब है आपकी इम्पोर्ट बढ़ जाती है और एक्सपोर्ट आपकी जो होती है वो कम हो जाती है। तो हम अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए बाहर से मंगवाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अदाइयों के तवाज़ुन के अंदर भी जो है वो खसारा वाक़ होता। तो इन वजूहात की बिना पर आपकी जो मौशियत होती है वो तरक्की पज़ीर मौशियत के अंदर हम शामिल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हमारे मुल्क के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो कम है। इस टेक्नोलॉजी के कम होने की वजह से भी हमारी जो मौशियत है वो बहुत पीछे है, क्योंकि जो तरक्की पज़ीर जो मौशियत है आपके पास, तरक्की पज़ीर जो ममालिक होते हैं वहाँ पर जो प्रोटेक्शन ली जाती होती है वो मॉडर्न मेथड से नहीं ली जाती, जदीद मशीनरी से नहीं ली जाती, पुराने आलात औज़ार, सेकेंड हैंड मशीनरी और ज़्यादातर हाथ से जो होती है वो प्रोटेक्शन ली जाती, जिससे उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। हम सिर्फ अपनी उतनी की बताते हैं, उतनी की प्रोडक्शन हमारे पास आती है जितनी की हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो कम बचती है, और ना ही बाज़ का ऐसे होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसको हम बाहर के लेवल के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो होता है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकें, क्योंकि क्वालिटी वाइज जो होती है वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती। तो अगर हम वही टेक्नोलॉजी का ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर सी बात है हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और हमारे जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होगी उसके अंदर भी इजाफा होता चला जाएगा। नंबर 7 है आपके पास, सरमाए की किल्लत। हमारे मुल्क के लोगों की जो बचते हैं वो तकरीबन 14% है, 14 से 15%, जबकि जो जदीद ममालिक है आपके पास, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ के लोगों की जो बचते होती है वो 20% होती है। तो इसका मतलब है कि आप जितनी ज़्यादा सेविंग करते हैं वो आगे जाकर कन्वर्ट होती है आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हमारी अगर सेविंग्स कम है, क्योंकि सेविंग के कम होने की वजह ये भी है कि हमारे मुल्क के लोगों का इनकम लेवल कम है, तो इनकम कम होने की वजह से हमारी बचते भी कम है। अगर हमारी बचत कम होगी तो आगे जाकर हमारी जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो भी कम हो जाएगी। इस वजह से भी हमारे मुल्क के अंदर लोगों के रोज़गार में कमी है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, बचत कम है, खर्च कम है, मौशियत ऊपर जाने की बजाय मौशियत में कमी आती जाती है। उसके बाद है नंबर 8 है आपके पास,
पाकिस्तान के अंदर या तरक्की पज़ीर जो ममालिक होते हैं, इन ममालिक के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको बेहतर तरीके से जो होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही बेहतर तरीके से निकाला जाता है, और ना ही उनका जो बेस्ट पर्पज़ होता है वो इस्तेमाल, उसको बेस्ट पर्पज़ के लिए जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर गैस जो है, हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादातर जो गैस है वो सिर्फ खाना पकाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत कम मकदार के अंदर जो होता है वो इंडस्ट्री के अंदर जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कम मकदार में इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और ज़्यादा लेवल के ऊपर हम इसको खाने पीने के लिए जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कुकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे मुल्क के अंदर या तरक्की पज़ीर जो ममालिक के अंदर होते हैं, हम इनका इस्तेमाल कम करते हैं, हम इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि इनको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे भी आपकी जो मौशियत होती है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो इन वजूहात की बिना पर भी आपकी जो मौशियत है कम है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद है नंबर 9 आपके पास, दौलत की गैर मुसाविना तरक्की पज़ीर ममालिक के अंदर दौलत की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी गैर, आप कह सकते हैं कि गैर मुसाविना होती है। अमीर जो होता है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है, वो गरीब बेचारा जो होता है वो गरीब से गरीब तर होता है, पैसा पैसे को खींचता है, इस वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, और पूरे मुल्क के अंदर पैसा जो होता है वो चंद हाथों में ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा होता है, और बाकी आवाम जो होती है वो गुर्बत की लाइन से भी नीचे हो जाते हैं। तो दौलत की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो तरक्की पज़ीर ममालिक में बहुत डिफरेंट होती है, पैसा जो होता है कुछ लोगों के हाथों में सर्कुलेट हो रहा था। उसके बाद नंबर 10 है आपके पास, पस्त इस्तदादकार। पस्त इस्तदादकार में ये होता है कि इन ममालिक के अंदर जो तरक्की पज़ीर जो ममालिक हैं, जहाँ की तरक्की पज़ीर मौशियत है, वहाँ के लोगों का जो वर्किंग स्टाइल है या वर्किंग कैपेसिटी वो बहुत पस्त है, क्योंकि वो जदीद मशीनरी का इस्तेमाल कम करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम करते हैं, ट्रेन नहीं होते आपके, तो प्रोडक्शन का लेवल भी जो होता है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम होता है। तो इन तमाम मसाइल की वजह से आपकी जो तरक्की पज़ीर जो ममालिक हैं उनकी मौशियत जो होती है वो अप होने की बजाय, अगर अप होती भी है तो वो स्लो डाउन होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो इन तमाम मसाइल को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो मौशियत जो होती है बेहतर तरीके से जो होती है वो आगे बढ़ सकती है आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।